नीमच जिले के अंतिम छोर पर पहाड़ों के बीच में बना यह मंदिर केदारेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि नीमच जिले से मात्र 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बाबा भोलेनाथ का मंदिर केदारेश्वर धाम पहाड़ियों से घिरे होने के साथ साथ में अपनी सुंदरता तथा हरियाली से सहसा ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लोगों का मानना है कि यहाँ पर पांडव अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर ठहरे हुए थे। यह धार्मिक स्थल होने के साथ साथ में रमणीय स्थल भी है, जहाँ पर हजारों की संख्या में प्रतिवर्ष श्रद्धालु पहुँचते हैं, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते तथा लॉकडाउन की स्थिति में श्रद्धालु नहीं के बराबर यहाँ पर आए हैं। केदारेश्वर धाम नाम से विख्यात भोलेनाथ का यह मंदिर अब पहले की तुलना में काफ़ी विकसित हो चुका है तथा भक्तों के लिए मंदिर दर्शन हेतु पक्की सड़क तथा अन्य सुविधाएं भी है। विशेषकर यहाँ पर श्रद्धालु श्रावण मास में आते हैं, लेकिन वर्षा ऋतु के दौरान भी यहाँ पर आमजन का तांता लगा रहता है। आमजन का मानना है कि जानकारी के अभाव में यहाँ अपेक्षा से कम श्रद्धालु आते हैं। सुखानंद, नीलकंठ, महादेव, बाद में केदारेश्वर धाम भी श्रद्धालुओं के लिए बड़ा आस्था का केंद्र है। केदारनाथ धाम में जो नीमच जिले के अंतिम छोर पर स्थित है, यहाँ बाबा भोलेनाथ का बहुत ही एक मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर यहाँ सावन महीने में सैकड़ों की तादाद में भक्त आते हैं, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते हुए भक्तों की संख्या काफ़ी कम है। कुछ भक्त आए हुए हैं, बात करते हैं हम उनसे किस प्रकार इस कोरोना महामारी का असर यहाँ पर मंदिरों पर भी आया हुआ है। बताइए कहाँ से आना हो आपका? जी मैं बमरा सा रहता हूँ, और इस स्थान के बारे में बहुत सुना था कि केदारेश्वर स्थान रामपुरा के पास, रामपुरा से 15 किलोमीटर के आसपास है, बहुत अच्छा और दर्शनीय स्थान है, प्राचीन मूर्ति है, यहाँ का लोकेशन सौंदर्य बहुत बढ़िया है, और इस स्थान का प्रचार प्रसार के अभाव में थोड़ा सा और बढ़िया प्रचार प्रसार हो जाए तो यहाँ की और इस स्थान की गरिमा बढ़ सकती है और दर्शनीय स्थल के रूप में अपने ज़िले में इसका विकास हो सकता है। तो सभी जनता और हमारे जनप्रतिनिधि अगर इस स्थान का अधिक से अधिक प्रचार करें तो ये स्थान बहुत रमणीय और सुदर्शन मनमोहक स्थान है, और यहाँ बहुत ही अच्छा माना जाता है कि तीर्थ स्थान है। यहाँ केदारनाथ के नाम से जाता है, महादेव का मंदिर है, और यहाँ के जनता हर समारोह को आती है, सावन महीना में बहुत भीड़ लगती है, और यहाँ का जो स्थान विकसित अभी पूर्ण से हुआ नहीं, ये पूर्ण से विकसित हो जाएगा तो जनताओं के लिए और सदाओं के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और अभी कोरोना के चलते हुए यहाँ जो डिस्टेंस रखा गया है उसको पूर्णतः से है ना अपन कोरोना के अभाव में ये विकसित नहीं है, इसलिए यहाँ में जो जनता दिखनी चाहिए वो दिख नहीं रही है, और बारी बारी से दर्शन किए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुशल सिंह चौधरी, निवासी सावन। तो आप देख रहे थे किस प्रकार ये बता रहे हैं कि कोरोना का असर हर मंदिर पर और ये जो भी पर्यटन स्थल है वहाँ पर इस महामारी के चलते हुए ज़्यादा आवाजाही नहीं है, जो भी आ रहे हैं वो भी पूरे अपनी सावधानी से आ रहे हैं। मैं अपने साथ नीमच जिले के रेवली देवली से मोहन नागदा की रिपोर्ट।